के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको देखे थे, और इसके अलावा हम लोग वेव में सारे टर्म को डिफाइंड किए थे, जैसे कि वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और हम लोग कुछ इससे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे रिलेटेड टू डिफरेंट टर्म्स ऑफ वेव. आज हम लोग साउंड को डिफाइंड करेंगे, साउंड पढ़ेंगे, ठीक है. साउंड क्लास 9 में है. वेव्स के बाद हम लोग साउंड को डिस्कस करते हैं आज डिटेल्स में. जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे कि साउंड इज ऑल्सो काइंड ऑफ वेव, ठीक है. तो चलो हम लोग साउंड स्टार्ट करते हैं. उसके पहले कुछ बेसिक बात बता रहे हैं. हम लोग इतना जानते हैं सभी लोग कि साउंड जो होता है वो हमेशा वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है ना. हम लोग देखे थे साउंड इज ऑलवेज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन. एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है. तो जैसे अगर हम लोग इस तरह ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे, दिस इज ट्यूनिंग फॉर्क, ये स्कूल में जो फिजिक्स लैब उसमें दिख सकता है, ठीक है. छोटा सा ऐसा फॉर्क होता है, तो इसको अगर हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क पे अगर हम लोग एक फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल थोड़ा डिस्टर्बेंस अप्लाई करते हैं, तो क्या करेगा, ये वाइब्रेशन करना शुरू करेगा. तो जैसे ही वाइब्रेशन करना शुरू करेगा तो साउंड कैसे ट्रेवल करेगा, कंप्रेशन के फॉर्म में, है ना. सपोज दिस इज द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन इस तरह, और ये सपोज फॉर्म ऑफ रेयरफैक्शन, देन कंप्रेशन, देन फॉर्म ऑफ रेयरफैक्शन, देन कंप्रेशन, रेयरफैक्शन. तो इस वे में साउंड आगे बढ़ेगा, है ना. साउंड ट्रेवल करते रहेगा, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, एंड सो ऑन. इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांसवर्स वेव. तो बहुत सारा ऐसा डिवाइस होता है, बहुत सारा ऐसा हम लोग के आसपास ऐसा बहुत सारा सेटअप दिखता है जिससे हम लोग साउंड को ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग सुन पाते हैं, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है. बात करें अगर हम लोग इलेक्ट्रिक स्पीकर के बारे में, कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, है ना, इवन बेल, वायलिन, स्ट्रिंग्स, स्पीकर्स, ड्रम, ये सभी जो है ट्यूनिंग फॉर्क, या फिर सिंपली कोई भी स्क्रीन मेम्ब्रेन, जैसे हो गया ड्रम, है ना, ढोलक, तबला, ये सब. सो दिस ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली प्रोड्यूस साउंड. कैसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वाइब्रेशन की वजह से ही, ठीक है. जो मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है पाइथागोरस, जिनके बारे में तुम लोग पढ़ते हो पाइथागोरस थ्योरम, है ना, उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया था वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग लेके. भले वो मैथमेटिक्स के थे बट उन्होंने फिजिक्स में भी एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, पाइथागोरस. तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स, उनका एक्सपेरिमेंट था ये. तो ये सब एग्जांपल्स हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट करेगा तो डेफिनेटली साउंड प्रोड्यूस करेगा. इवन ह्यूमन का वोकल कॉर्ड, हम लोग भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं वाइब्रेशन की वजह से ही. हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है, जब हम बात करते हैं, विंड पाइप के जस्ट ऊपर जो थ्रोट के पास जो रहता है ना, वो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है. जैसे ही वाइब्रेट करता है तो हम लोग साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट कंक्लूजन ये है कि वाइब्रेशन जो होगा हमेशा साउंड को प्रोड्यूस करेगा. जब भी वाइब्रेशन रहेगा तो वाइब्रेशन ऑलवेज प्रोड्यूस साउंड. कहीं पे वाइब्रेशन अगर हम लोग देखेंगे तो ये साउंड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है. तो ये पहला कंक्लूजन हम लोग समझ गए हैं. अब वाइब्रेशन किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग डेफिनेटली कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा. अगर हम लोग किसी मेम्ब्रेन को जस्ट उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ठीक है, तो मेम्ब्रेन भी क्या होगा, मेम्ब्रेन भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक. अच्छा, साउंड एक एनर्जी का फॉर्म होता है. प्रीवियस क्लास में जो डाउट भेजे थे ना, लक्ष्य भेजे थे, तो उसको हम सॉल्व करके भेजे ग्रुप में, तुम देखना, और हम क्लास के लास्ट में उसको समझा देंगे, ठीक. क्या हम उसको सॉल्व कैसे किए हैं, अगर दिक्कत होगा तो हम क्लास के लास्ट में, मतलब 5 मिनट्स पहले हम उसको सॉल्व समझा देंगे एक बार. बहुत इजी क्वेश्चन है. पिछले क्लास में जो हम लोग डिस्कस किए थे इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो दूसरा जो क्वेश्चन है वही है कि इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम कंसिडर करके बनाए हैं, ठीक है. और पहला क्वेश्चन भी काफी सिंपल है उसमें. अच्छा, हम लास्ट में बता देंगे, अभी बीच में नहीं बता रहे, ठीक है, लास्ट में बता देंगे 5 मिनट्स में. तो चलो देखो, तो वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. अच्छा, एक बात हम लोग ये भी जानते हैं कि साउंड जो होता है ना, एनर्जी का एक फॉर्म होता है, ठीक है. तो डेफिनेटली साउंड जो होगा ये एनर्जी का ही एक फॉर्म है, इसी को हम लोग फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं. बहुत डिटेल्स में नोट्स नहीं लिखवाएंगे, है ना, जो बेसिक मतलब सारा कुछ समझा देंगे. जैसे हम साउंड का डेफिनेशन नहीं लिखा रहे हैं कि साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ऑलवेज प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, तो ये सब तुम लोग लिख सकते हो खुद से भी, है ना. तो बहुत बेसिक डेफिनेशन हो जाता है. तो जो मेन सारा बात है वो हम बता देंगे अच्छे से, तो सुनो ध्यान से और दिमाग में रखना बस.
देखो अगर हम लोग वर्क डन करते अगेंस्ट कोई इलास्टिक फोर्स, ठीक, मान लो कि हम लोग कैसे बोल सकेंगे साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो कोई भी मैकेनिकल एनर्जी यूज लगता है हम लोग को, है ना, किसी भी वाइब्रेशन कराने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेशन कराने में हमेशा एक मैकेनिकल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, है ना, साउंड प्रोड्यूस कराने के लिए हम डेफिनेटली वर्क डन कर रहे हैं, विदाउट वर्क डन हम लोग साउंड को कैसे प्रोड्यूस करेंगे। जैसे अगर तुम करोगे वर्क अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स, तो जो प्रॉम्प्ट होगा ट्यूनिंग फॉर्क का वो वाइब्रेशन सेट करेगा, ठीक है। अगर तुम काइनेटिक एनर्जी से हैमर से किसी बेल को या किसी प्लेट को हैमर से स्ट्राइक कराओगे, तो भी तुम क्या कर रहे हो, एक काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर रहे हो, है ना। अगर तुम वायलिन को प्ले कर रहे हो तो भी तुम क्या कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो अगेंस्ट द वायलिन, तभी जाके स्ट्रिंग जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करके साउंड प्रोड्यूस कर दे रहा है। तो कहीं ना कहीं से हम लोग एनर्जी को यूज कर रहे हैं साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क डन हम लोग कर रहे हैं साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। डेफिनेटली तुम सोचो अगर ट्यूनिंग फॉर्क में लोग डिस्टर्ब क्रिएट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये तो इसका जो ट्यूनिंग फॉर्क है अपने में थोड़ा सा इस तरह ऑसिल एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस कर दे रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट उस पर हो ही रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वी ऑलवेज डन वर्क अगेंस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, तभी तो हम लोग को साउंड मिल रहा है। तो साउंड प्रोड्यूस करने पे ये कंसेप्ट याद रखना, हम लोग को वर्क डन भी करना पड़ रहा है, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस करने से हम लोग को वर्क डन भी करना पड़ रहा है, और जैसे हम लोग वर्क डन करेंगे तो हम लोग के पास मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट आ जाएगा, है ना। तो ऐसा समझ लो कि मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग डेफिनेटली यूज करते हैं व्हेन वी अप्लाइड साउंड, और व्हेन वी प्रोड्यूस साउंड फॉर बाय व्हेन वी प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट्स, वी ऑलवेज यूज सम मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इस सब जस्टिफिकेशन से बोल सकते हैं कि साउंड एक एनर्जी का ही तो फॉर्म है, साउंड नथिंग बट द एनर्जी फॉर्म। तुम जानते हो वर्क एनर्जी थ्योरम, ये हम पढ़ाए थे वर्क एनर्जी चैप्टर में। अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी या हम लोग टोटल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि वर्क डन के बराबर, या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, है ना। तो वर्क डन करेंगे तो एनर्जी मिल रहा है, यानी कि फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है साउंड, साउंड क्या मिला, एनर्जी ही मिला वर्क डन किए तो। तो इसी चीज को जस्टिफाई करता है कि साउंड जो है बेसिकली एनर्जी का फॉर्म ही तो है, है ना, साउंड इज नथिंग बट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये पूरे प्रोसेस को जस्टिफाई करता है दिस स्टेटमेंट। तो होपफुली तुम इस स्टेटमेंट को समझ गए हो, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में साउंड का, तो साउंड का प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा, साउंड का प्रॉपर्टीज की अगर बात करें हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, ठीक है। तो पहला अगर प्रॉपर्टी का हम लोग बात करेंगे, तो हमेशा तुमको प्रीवियस क्लास में बताए थे साउंड एक मैकेनिकल वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और हमेशा एक मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट है साउंड को ट्रेवल करने के लिए, है ना, हमेशा एक मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट है फॉर ट्रेवलिंग ऑफ साउंड, ठीक। प्रोपागेट करने के लिए क्या चाहिए, एक मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पार्टिकल चाहिए। प्रीवियस क्लास में इस चीज को डिस्कशन किए थे कि विदाउट पार्टिकल्स यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, दैट इज वैक्यूम पे साउंड प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। सो वी ऑलवेज नीड सम क्या बोलते हैं हम लोग, मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, हम लोग ये बोल सकते हैं कि साउंड का जो वेव होता है ना, साउंड वेव, ये क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस कंप्रेशन, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक, एज वेल एज रेयरफैक्शन, है ना, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में जो है वेव ट्रेवल करते रहता है, ठीक। साउंड होता है वो ऑल फ्रीक्वेंसी में ट्रेवल करता है किसी भी होमोजेनियस मीडियम पे, तो गिवन टेम्परेचर पे क्या होता है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, हम लोग आगे बात करेंगे टेम्परेचर पे किस तरह साउंड का स्पीड डिफर करेगा, आगे बात करेंगे आज। तो एट सर्टेन टेम्परेचर पे क्या होगा, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ, है ना, और एक सर्टेन स्पीड के साथ साउंड जो है ट्रेवल करेगा, साउंड जो है वो, साउंड मतलब ट्रेवल नहीं करेगा, साउंड वेव प्रोपागेट करेगा, तो साउंड ट्रेवल उसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं, साउंड ट्रेवल करेगा सर्टेन टेम्परेचर पे सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ सर्टेन स्पीड के साथ किसी होमोजीनियस मीडियम पे साउंड ट्रेवल कर सकता है, ठीक। अच्छा, चौथा जो प्रॉपर्टी है, ये हम लोग का तीसरा प्रॉपर्टी हो गया, तो इस प्रॉपर्टी को तुम याद रखना अच्छे से दिमाग में, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी जो है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साउंड वेव ट्रेवल करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे,
ठीक है, तो उसका वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो सकता है लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगा। अगर तुम सेम साउंड लोगे ना, मतलब एक सेम सोर्स लोगे, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगा। हो सकता है कि वेवलेंथ डिफर करे, है ना, वेवलेंथ चेंज हो सके, स्पीड चेंज हो जाए, मीडियम पे चला जाए गया तो क्या होगा, रेयर से डेंसर मीडियम पे चला गया या फिर डेंसर से रेयर पे आ गया, तो मीडियम बदलने की वजह से वेवलेंथ बदल सकता है, वेवलेंथ चेंज हो सकता है ना, वेवलेंथ में भी चेंज और स्पीड में भी चेंज। डेफिनेटली अगर वेवलेंथ चेंज होगा तो स्पीड भी तो चेंज होगा ही, दोनों रिलेटेड है। तो देखो इसको कैसे समझाएंगे हम लोग, बता रहे हैं। मान लो साउंड ट्रेवल कर रहा है ना एक इस पे वाटर पे, है ना, वाटर से ट्रेवल कर रहा है, सडनली वो सॉलिड पे चला गया, तो साउंड का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा उस टर्म में, वही फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑक्सीजन वही रहेगा। बदल क्या सकता है, इसका वेवलेंथ बदल सकता है, डेफिनेटली स्पीड जो तो बदलेगा ही बदलेगा। तो ये दो चीज तो बदलेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी अनअल्टर्ड रहता है, बट वेवलेंथ एंड स्पीड कैन बी चेंज इफ साउंड कैन ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें हम लोग, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो हम क्या बताए थे, वेव का डेफिनेशन में ही पहले ही बोले थे कि वेव का मतलब ही होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। तो साउंड वेव भी क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, साउंड वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी, डेफिनेटली साउंड वेव भी क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, एनर्जी का ही ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना, मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, साउंड वेव ऑलवेज ट्रांसपोर्ट एनर्जी। तो यहां तक 5 पॉइंट्स पे किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक, अगर हम लोग 6th पॉइंट कंसीडर करेंगे, इफ वी कंसीडर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो 6th पॉइंट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि साउंड जो होता है वो रिफ्लेक्शन शो करता है, है ना, ये भी लाइट की तरह अंडरगो करेगा क्या, इट ऑलवेज अंडरगो रिफ्लेक्शन, तुम सुने हो इको होता है ना, साउंड रिफ्लेक्ट करता है और साथ में साउंड रिफ्रैक्ट भी करेगा। अभी बताए कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रेवल करेगा तो वेवलेंथ बदल जाएगा, तो उसी फेनोमेना को रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं हम लोग। तो इसीलिए साउंड रिफ्लेक्शन तो करेगा ही करेगा, साथ में रिफ्रैक्शन भी करेगा। ठीक है, उसके बाद साउंड वेव जो होगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग उसको इंसिडेंट कराएंगे किसी भी सरफेस पे, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हमेशा एक वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करेगा। तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज है। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्लास 8 में तुम लोग किए थे, याद होगा, हम लोग उसको बोलते हैं बेलजार एक्सपेरिमेंट, है ना, तो वो सब तो इस क्लास में बताने का कोई मतलब नहीं होता है, बट एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट समझ ही गए थे कि साउंड जो होता है वो सिर्फ किसी मीडियम पे ट्रेवल करता है, क्लास 8 में था ये, इसको हम लोग बोलते हैं बेलजार एक्सपेरिमेंट। ऐसे हम लोग एक जार लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा इवैक्यूएटेड कर देते हैं, है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे हम लोग जार ले लेते हैं, है ना, और इसको हम लोग ऐसे इवैक्यूएटेड यहाँ पे लगा देते हैं, वैक्यूम, यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, वैक्यूम पंप लगाते हैं। वैक्यूम पंप, ठीक है, यहाँ पर हम लगा देते हैं वैक्यूम पंप और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं बैटरी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे इसको पूरा पैक रहता है, यहाँ पे बैटरी लगा रहता है दो ठो, मतलब एक ही बैटरी रहता है, सेल या बैटरी जो भी बोले, यहाँ बैटरी रहता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहता है, इलेक्ट्रिक बेल लगा हुआ रहता है, यहाँ पे इस तरह का इलेक्ट्रिक बेल का जो है सेटअप रहता है ऐसे। ठीक है, ये बेल है और इसको हम लोग एक शीशा के जार में, कांच के जार में ऐसे इसको हम लोग इसको लगा देते हैं, है ना, और इसके अंदर का पूरा एयर को वैक्यूम पंप से बाहर निकाल देते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट को जब करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, जब तक थोड़ा सा भी एयर रहेगा, हम लोग जब बेल को ऑन करेंगे, जब स्विच ऑन करेंगे बेल को, ठीक, थोड़ा सा भी जब तक एयर रहेगा तब तक क्या होगा, हमेशा इसमें साउंड आते, हम लोग सुनाई देगा साउंड, है ना। जैसे पूरी तरह से एयर बाहर निकल जाएगा, जैसे एयर पूरी तरह से हम लोग बाहर निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप, तो धीरे धीरे साउंड का आना बंद हो जाएगा, मतलब फिर हम लोग कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। तो ये एक्सपेरिमेंट शो यही करता है कि साउंड जो होता है वो कभी भी वैक्यूम पे ट्रेवल नहीं करता, उसके लिए जरूर से एक मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा देखो, स्पेस में हम लोग जब जाते हैं, एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं स्पेस में, क्योंकि स्पेस भी वैक्यूम होता है, स्पेस में भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो क्या कोई बता सकते हो, क्या कोई जानते हो इस आंसर को,
कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। अगर मून पे हम मान लो हम लोग गए, मून पे कोई एटमोसफेयर नहीं होता है क्योंकि वो अर्थ सर्फेस के अबव होता है, तो उसका एटमोसफेयर एम्प्टी होता है। आउटर स्पेस पे एस्ट्रोनॉट्स कैसे टॉक करते हैं एक दूसरे से, बता सकते हो? क्योंकि वहाँ कहीं पे मैकेनिकल मीडियम, मेटेरियल मीडियम नहीं रहता है, तो किस तरह वो कम्युनिकेट करते हैं? बोलो, आवाज आ रहा है कि चला गया नेटवर्क? अरे आवाज, हाँ, किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, कोई आइडिया है? देखो वो लोग कम्युनिकेट करते हैं साइन लैंग्वेज, नहीं साइन लैंग्वेज नहीं, हाथ तो थोड़ा ना उठा पाएगा उस समय, उसके पास इतना कुछ जैकेट वैकेट रहता है कि इतना सारा सिलेंडर लेके घूमता है, पूरा सेटअप रहता है, उसमें साइन लैंग्वेज समझ में आएगा? हैंग करेगा, वो उल्टा लटकेगा वहां पे जाके, साइन लैंग्वेज कैसे बताएगा और कितना साइन में बात कर सकता है? वो बात करता है वहां पे, कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो वेव्स, ठीक है? क्योंकि रेडियो वेव, कल तुमको प्रीवियस क्लास में बताए थे, रेडियो वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आसानी से वैक्यूम पे काम कर सकता है, जो आसानी से ट्रेवल कर सकता है कि ना, बिना किसी मीडियम के। तो कोई भी जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, वो हमेशा कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव, ठीक है? रेडियो वेव सिर्फ हम लोग अर्थ पे ही ऐसे बात कर सकते हैं, अर्थ के बाहर जैसे ही जाएंगे हम लोग जितना भी जोर से चिल्लाए हम लोग बात नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट कम्युनिकेट। तब हम लोग को कोई ईएम वेव पे जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मदद देना पड़ेगा। तो रेडियो इज द काइंड ऑफ वेव विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विच कैन इजिली ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। सो एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो आउटर स्पेस पे हमेशा रेडियो वेव का यूज करते हैं, ठीक है? तो हम लोग बहुत ही ज्यादा लकी है कि हम लोग अर्थ पे है। अगर इस तरह का एटमोसफेयर नहीं रहता, इतना मेटेरियल नहीं होता, मतलब एयर का इतना पार्टिकल्स नहीं होता है, तो हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, हम लोग बात करना भी नहीं सीखते और बोल भी नहीं पाते, ठीक है? और कुछ बोलते तो ट्रेवल कम्युनिकेट नहीं हो पाता। तो इतना सारा कंडीशन होना चाहिए एनवायरमेंट पे जो कि अर्थ के पास है। अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। देखो अगर तुम कंपेयर करोगे वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वो कंपेयर करना बहुत बेवकूफी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लाइट को हम लोग साउंड से कभी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, है ना? बिजली चमकता है, सब लोग देखे हो बचपन से, लाइट बहुत पहले दिखता है, बहुत देर के बाद, इवन 5 मिनट्स के बाद या 4 मिनट्स के बाद या ऑलमोस्ट 2-3 मिनट्स के बाद भी जनरली हम लोग को सुनाई देगा अचानक। तो लाइट कितना पहले पहुंच गया और साउंड कितना लेट से पहुंचा, वो टाइम डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, 1 मिनट 2 मिनट का, ठीक है? तो डेफिनेटली हम लोग स्पीड ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ साउंड पे कंपेयर नहीं कर सकते। साउंड जो होता है वो काफी स्लो ट्रेवल करता है, बहुत ज्यादा स्लो है ना, बहुत ज्यादा स्लो ट्रेवल करता है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। तो इसके लिए भी डेफिनेटली साउंड वेलोसिटी, मतलब साउंड को ट्रेवल करने के लिए, साउंड के स्पीड को जानने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट पड़ता है, और डिपेंड भी करता है वेलोसिटी ऑफ साउंड मीडियम पे ही डिपेंड करता है ना? बस इस सब बात को तुम याद रखना, जो बता रहे तो रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इस चैप्टर को तुम अच्छे से लिख पाओगे, कंसेप्ट को बस याद रखना सारा, इस तरह नोट्स नहीं दिखा रहे, बस याद रखना अच्छे से। तो देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है उसके लिए तुमको क्या चाहिए, एक डेफिनेटली मीडियम चाहिए, और वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड भी करेगा मीडियम पे। क्या कोई बता सकता है क्यों डिपेंड करेगा मीडियम पे, अच्छे से बता सकता है? बोलो, आंसर दो जल्दी। पिछले क्लास में समझाए भी थे, बोलो मीडियम का क्यों रिक्वायरमेंट है, बोलो लक्ष्य, बोलो तो आंसर। साउंड वेव जो होता है फिर वाइब्रेशन के द्वारा ट्रैवल करता है, और वाइब्रेशन जब तक मीडियम नहीं तक नहीं प्रोड्यूस हो सकता। और चीज बता पाओगे थोड़ा फिजिक्स के टर्म में? ये तो थोड़ा बेसिक टाइप का हो गया डेफिनेशन, थोड़ा बढ़िया से इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। सर जब कोई चीज वाइब्रेट करता है तो उसके उसके एडजेसेंट पार्टिकल्स जो है उसको मोशन में सेट कर देता है, उससे वो टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर देता है, और इसी तरह मोशन को पास कर दे जाता है, और वो उसी पैटर्न में होता है, और उस पैटर्न के कारण हम लोग को समझ आता है कि क्या आदमी बोल रहा है, उसी तरह साउंड ट्रैवल होता है, और वो वैक्यूम में पॉसिबल नहीं है, वो रेयरफैक्शन और वो तो डेफिनेटली वैसा तो है ही, मतलब मीडियम पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स कोलाइड बोल रहे सॉरी, पार्टिकल्स वाइब्रेट करता है, नेवरिंग पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है, और डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता रहता है कंप्रेशन रेयरफैक्शन के फॉर्म में, सब तो होता ही है। बट इसमें कुछ अगर हम लोग थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज का बात करें, तो सुनो हम बताए थे ना कि दो एटम्स के बीच में एक इलास्टिक प्रॉपर्टी हमेशा रहता है ना, तो कोई भी मीडियम्स में क्या रहता है, एटम्स रहता है डेफिनेटली, है ना? हम लोग बोलते हैं इंटर एटॉमिक, हम लोग इंटर एटम्स का बात करते हैं, ठीक?
एक सेकंड तुम लोग थोड़ा सा 5 मिनट वेट करते, बहुत एक फोन आया कहीं से, तुम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फोन है, दो मिनट बस वेट करो, ठीक है, 2 मिनट बस। तो क्या हो जाएगा देखो, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो गया ना, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मीडियम का। अब इस चीज को देखो अच्छे से, हम थोड़ा माइक्रोस्कोपिक टर्म में इसको हम लोग समझते हैं। क्या बताए थे, कोई भी इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में हमेशा एक इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है ना। तो ये इलास्टिक प्रॉपर्टी जो होता है ना, इलास्टिसिटी, या फिर इसको हम लोग इलास्टिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं हम लोग, या फिर इलास्टिसिटी बोल सकते हैं। तो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है कि अपने टेंडेंसी टू रिटर्न द पोजीशन है, इतना तो तुम समझ रहे हो इस चीज को। ऐसे स्प्रिंग तुम लोगे तो स्प्रिंग पे तुम जब फोर्स लगा दोगे, उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, और जैसे ही तुम उस एक्सटर्नल फोर्स को छोड़ोगे तो वापस वो अपने पोजिशन पे आ जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को बोलते इलास्टिसिटी, नहीं आया तो क्या बोलते प्लास्टिसिटी, है ना, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। तो टेंडेंसी क्या होता है, अपने पोजिशन पे रिटर्न आना। तुम इसको समझ के रखना, हमेशा ये चीज को समझना, आज मतलब इसको दिमाग में हमेशा हायर क्लास तक काम आ गया, इसको दिमाग में हमेशा डाल देना कि एटम्स के बीच में एक इलास्टिक प्रॉपर्टीज होता है। इंटर एटम्स मान लो कि दो एटम्स है ना, ऐसा समझो कि इसके बीच में कुछ स्प्रिंग लगा हुआ है ना, ऐसा समझ लो, समझने के लिए बोल रहे, ऐसा समझ लो स्प्रिंग लगा हुआ है। तो जैसे इस पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होगा तो इस पे इलास्टिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है, ठीक। तो ये वाइब्रेशंस को क्या कराता है, वाइब्रेशन को कंटिन्यू रखता है। तुम एक स्प्रिंग को वाइब्रेट करके छोड़ दो, देखना बहुत देर तक वाइब्रेट करता रहेगा। जैसे एक तुम मेला उला में जाओगे ना, तो स्प्रिंग का बहुत सारा खिलौना मिलता है ना, देखे हो, एक कोई भी इस तरह का कोई एक छोटा सा वो आता है, डॉग आता है, उसमें स्प्रिंग लगा रहता है गले में, उसको तुम ऐसे वाइब्रेट करोगे तो वो वाइब्रेट होता रहेगा बहुत देर तक। फिर कार में लगाने के लिए स्प्रिंग का बहुत सारा छोटा छोटा ऐसा कुछ आता है ना, शोपीस टाइप का। तो क्या, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग में वाइब्रेशन बहुत देर तक होगा, बहुत देर तक होते रहेगा वाइब्रेशंस। इसी तरह इलास्टिक क्या, फिर फर्नीचर्स लाइक सोफा में भी स्प्रिंग, हाँ फर्नीचर्स वगैरह भी रहता है, मतलब वही बोल रहे हैं, उस तरह इलास्टिक समझ लो एटम्स के बीच में, ऐसा कोई स्प्रिंग रहता नहीं है, है ना, वो तो हम लोग बस समझ रहे हैं ऐसा, मतलब इस तरह इलास्टिक प्रॉपर्टी रहता है जो कि आना चाहता है हमेशा अपने पोजिशंस पे, तो इसी वजह से टू एंड फ्रो मोशन करने में मदद करता है। दूसरा क्या, दूसरा जो मीडियम होता है उसके पास अपना इनर्शिया होता है ना, तो मीडियम के पास क्या होता है, इनर्शिया होता है, डेफिनेटली मीडियम मस्ट हैव इनर्शिया। तो इसका पार्टिकल क्या होगा, एनर्जी को स्टोर करने का कैपेसिटी रखेगा। अगर किसी भी पार्टिकल के पास इनर्शिया होता है ना, तो ये समझ लो हमेशा इट इज ऑलवेज, मतलब अगर हम लोग स्टेटमेंट बोले इस तरह कि मीडियम मस्ट हैव इनर्शिया सो दैट इट पार्टिकल्स हैव कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी, तो पार्टिकल्स क्या करेगा, कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी। तो पार्टिकल, सारा पार्टिकल क्या कर सकता है, एनर्जी को स्टोर करने में कैपेसिटी रखता है, ठीक है। और दूसरा मीडियम फ्रिक्शनलेस होता है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता, कभी एटम्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लगता है ना, कोई भी इंटर एटॉमिक के बीच में कभी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करता है, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो हमेशा एनर्जी को लॉस कराता है। किसी भी फिजिक्स के प्रॉब्लम को जब सॉल्व करोगे और अगर उस प्रॉब्लम पे फ्रिक्शन लग गया, तो तुम कभी भी वहां पे एनर्जी को कंजर्व नहीं करा सकते, है ना, तो उस पे कभी भी एनर्जी कंजर्व नहीं लगेगा, तो क्या कंजर्व कराओगे, मोमेंटम कंजर्व करा दोगे। तो इसीलिए फ्रिक्शन जब भी लगता है किसी चीज में, तो एनर्जी क्या होता है, डिसिपेट करता है, यानी कि एनर्जी लॉस होता है। तो फ्रिक्शन लेस होने की वजह से यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होगा, तो देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी,
है ना, नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये जो इसका प्योर मैकेनिज्म है जिसको अच्छे से तुम याद रख सकते हो, और ऐसे सब तो सब लोग बोलता है, मतलब इस तरह तो सब बोलता है कि पार्टिकल्स नेवरिंग को डिस्टर्ब कर रहा है तो रेयरफैक्शन कंप्रेशन के फॉर्म में ट्रेवल करता है, वो नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया। बट अगर अच्छे समझाना पड़ेगा तो हम लोग इस तरह बता सकते हैं, है ना, दिस वे में कि वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे प्रोपागेट करता है। तो साउंड ऐसा नहीं कि सिर्फ गैस में प्रोपागेट करेगा, सॉलिड लिक्विड में भी करता है, आयरन हो गया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, है ना, कोई भी मेम्ब्रेन हो गया, इवन हम लोग के जो क्लॉथ होता है, ब्लैंकेट, उन सब में भी साउंड ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग साउंड हमेशा सुनते रहते हैं, फाइनाइट वेलोसिटी के साथ भी साउंड ट्रेवल करता है हमेशा, साउंड का कोई इनफाइनाइट वेलोसिटी है नहीं, है ना, एक नॉर्मल वेलोसिटी ही रहेगा ज्यादा से ज्यादा। और जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी और डेंसिटी पे, तो ये दो चीज पे वेलोसिटी ऑफ साउंड हमेशा डिपेंड करेगा, ठीक है। एक तो इलास्टिसिटी, मतलब मटेरियल किस तरह का है, इलास्टिसिटी मतलब ही अब क्या आ गया, मटेरियल का टाइप आ गया। अब सॉलिड का इलास्टिसिटी अलग होता है, लिक्विड का इलास्टिसिटी अलग होता है, और गैस का इलास्टिसिटी अलग होता है। इसी इलास्टिसिटी के वजह से साउंड का वेलोसिटी भी अलग अलग होता है डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड लिक्विड और गैसेस पे। तो फर्स्ट साउंड डिपेंड्स अपॉन द इलास्टिसिटी, इसको नोट डाउन कर लेना। और दूसरा क्या बोलोगे तुम, डेंसिटी, है ना, दूसरा क्या बोलोगे, डेंसिटी। तो इनको देखते हुए साउंड का स्पीड वैरी करते रहता है, इसीलिए तो सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंट डिफरेंट साउंड ट्रेवल करता है। देखो एक तुमको यहाँ पे रिलेशन बता रहा हूँ जो क्लास 9 के बुक में तुमको नहीं मिलेगा, बट तुम अभी से इसको सीखो क्योंकि तुम आगे इसको यूज कर पाओगे, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जब भी तुम बोलोगे ना इन गैस, इसका डेरिवेशन इवन क्लास 11 में भी नहीं है, इसका डेरिवेशन के बारे में मत सोचो कि कैसे आया, है ना। डेरिवेशन मान लो कि रिजल्ट आएगा तो क्या होता है, ये तुमको 11 क्लास में भी इसका डेरिवेशन नहीं मिलेगा। इसका वैल्यू होता है इलास्टिक कोफिशियंट, ये सब एक्सपेरिमेंटल टर्म होता है इसीलिए, है ना, जो साइंटिस्ट डिफाइन किए थे एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट के टर्म में, जिस तरह की जी को डिफाइन किया गया था उसी तरह कैपिटल जी को। तो इलास्टिक कोफिशियंट बाय इनर्सिया, ठीक है ना, ये होता है, याद रखना, ये होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड कहाँ पे, गैस पे। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इलास्टिसिटी मतलब गैस का इलास्टिसिटी और इनर्सिया मतलब यहाँ पे डेंसिटी है, ठीक। मास, तो मास मतलब क्या, डेंसिटी, मास भी डेंसिटी से रिलेटेड है, तो इनर्सिया मतलब डेंसिटी। सो दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, वेयर इज द मॉलिक्यूलर इलास्टिसिटी और द यंग्स मॉडुलस इन केस ऑफ सॉलिड, बल्क मॉडुलस इन केस ऑफ लिक्विड फॉर द फ्लूइड। यंग्स बल्क मॉडुलस पढ़ोगे आगे, इसको हम लोग बोलते इलास्टिसिटी, कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक, क्लास 11 में पढ़ोगे, समझ में आ गया। तो ये होता है तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस, ठीक है। अच्छा अब हम लोग देखते हैं, और ये गैसेस, और अगर हम लोग सॉलिड का बात करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस उस समय, यंग्स मॉडुलस, है ना। यंग्स मॉडुलस एक रेशियो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, स्ट्रेस का मतलब कितना हम लोग प्रेशर अप्लाई किए फोर्स पर एरिया, और स्ट्रेन का मतलब कितना डायमेंशन चेंज हुआ, तो उन दोनों के रेशियो को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। वो एक सॉलिड का प्रॉपर्टी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो ये सॉलिड के केस में क्या हो जाएगा, ये वाला ई यंग्स मॉडुलस हो जाएगा, और लिक्विड और गैस के केस में क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द, ये कुछ टर्म है यहाँ पे, समझ में आ गया ना। अच्छा इसके बाद हम लोग देखते हैं फैक्टर इफेक्टिंग, फैक्टर इफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो देखो क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर पे, ठीक, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला जो फैक्टर होता है वो होता है इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। अच्छा आवाज आ रहा है ना, बीच में बोलते रहे ना, आवाज आ रहा है कि नहीं, अच्छा आ रहा है, तो नेटवर्क चल जाने से मुझे पता नहीं चलता है, ठीक है। देखो पहला क्या फैक्टर है, पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ, ठीक, और एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, ये पहला इफेक्ट है। हमेशा
वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड जो होगा वो डिपेंड करेगा साउंड के स्पीड पे. जैसे मान लो इसको अगर हम लोग कोई इसका अगर हम लोग इक्वेशन लिखे, इक्वेशन कुछ इस तरह आता है. देखो लैम्डा है ना, गामा गामा सॉरी कैपिटल पी पी स्मॉल पी, ठीक ये पी नहीं इसको डेंसिटी लिखेंगे, सॉरी रो है ये, ठीक रो. तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है ना वो डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब सॉरी हम लोग क्या बोल रहे थे, इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड का मतलब सुनो क्या होता है, बस फिर से इसको सुनो. ये एक रिलेशन होता है ना स्पीड ऑफ साउंड का, गामा पी बाई रो, पी यहाँ पे प्रेशर, रो यहाँ पे डेंसिटी, और गामा यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट है मान लो अभी के लिए, ठीक. तो इस रिलेशन में तुमको दिख रहा है कहीं पे एम्पलीट्यूड या वेवलेंथ, नहीं दिख रहा है. तो याद रखना, इसलिए याद रखना कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करता है, ठीक. तो हम लोग बोलेंगे क्या कि स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड, स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड, स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड, ठीक, ऑन वेवलेंथ एंड द एम्पलीट्यूड. तो वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है. अच्छा दूसरा जो पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी. देखते हैं क्या डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि नहीं. तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहे हैं, स्पीड ऑफ साउंड जो है रूट ओवर प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी का. तो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ साउंड. तो डेंसिटी को जितना बढ़ाओगे साउंड उतना, स्पीड ऑफ साउंड उतना क्या होगा, उतना कम हो जाएगा, ठीक है. तो इसीलिए स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑल्सो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द मीडियम, ठीक है. तो ऑक्सीजन जो होगा वो 16 टाइम्स डेंसिटी होता है हाइड्रोजन का, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो हाइड्रोजन में वो 4 टाइम्स होता है ऑक्सीजन का, ठीक है. तो इसी चीज से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. तो यहां तक बात समझ में आ गया होगा. देन हम लोग तीसरा फैक्टर देखते हैं प्रेशर. तो देखो इक्वेशन में प्रेशर भी तो दिख ही रहा होगा, और वेलोसिटी ऑफ प्रेशर जो है ना, अच्छा प्रेशर कहीं पे दिख रहा है तुमको, हाँ देखो ये जो रिलेशन है ना गामा पी बाई रो, इस पे ये जो पी बाई रो का टर्म है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है. क्योंकि अगर डेंसिटी चेंज करेगा तो प्रेशर को भी चेंज होना पड़ेगा, ठीक. हम लोग उस दिन एक प्लॉट बनाए थे ना कि प्रेशर डेंसिटी, प्रेशर किस तरह वैरी करता है एयर फ्रैक्शन कंप्रेशन पे, हाई प्रेशर लो प्रेशर. तो प्रेशर अगर बदलेगा तो डेंसिटी भी बदलेगा, तो स्पीड भी बदलेगा, ठीक है. अच्छा दूसरा हम लोग फैक्टर क्या देखते हैं, सॉरी चौथा फैक्टर हम लोग का है, चौथा फैक्टर होता है टेम्परेचर. टेम्परेचर तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, ठीक है. टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज करेगा, डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, क्योंकि एटम्स जो है उसका एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, वो ज्यादा उसके पास वाइब्रेशन स्टार्ट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है. इसी वजह से वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस. हर एक चेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड भी कोरस्पॉन्डिंगली चेंज होगा. जैसे अगर तुम 25 डिग्री सेल्सियस पर वेलोसिटी को नोट करोगे, तो जैसे ही तुम थोड़ा सा स्पीड टेम्परेचर को बढ़ा दोगे थोड़ा डिग्री सेल्सियस, तो स्पीड भी बढ़ जाएगा. जैसे देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर पे कितना होता है, 330 होता है ना, 330 मीटर पर सेकेंड. यही अगर हम लोग ले लेंगे रूम टेम्परेचर पे, रूम भी नहीं मान लो, हाँ रूम पे ही ले लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पे ऑलमोस्ट है ना, तो उस समय ये तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, बट कोई बात नहीं, उस समय कितना हो जाएगा स्पीड, 335 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को बदले तो स्पीड भी वैरी किया. एक पांचवा इफेक्ट होता है विंड का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ विंड, हवा का जो झोंका है ना विंड, उसका इफेक्ट. तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है डायरेक्शन ऑफ विंड पे डिपेंड करता है. अगर मान लो विंड ब्लो करेगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन पे, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा,
अगर उल्टा डायरेक्शन में विंड चलेगा तो क्या हो जाएगा, साउंड डिक्रीज कर जाएगा। देखना बहुत तेज हवा चलता है ना, जब हम लोग कोई पहाड़ वहाड़ में घूमने जाते हैं और बहुत तेज हवा चलता है हम लोग का अपोजिट, तो हम लोग कुछ बोलते हैं तो हम लोग आवाज क्लियरली सुनाई नहीं देता है, क्योंकि साउंड की स्पीड को घटा देता है, हम लोग नहीं बोल पाते हैं, है ना। वही अगर साउंड के डायरेक्शन पे बोलेंगे तो काफी तेज सुनाई देगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन, इसको लिख देते हैं हम लोग। अपॉन द डायरेक्शन, ठीक है। तो इट मे बी इंक्रीज विद द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे एक एरो बस बना देते हैं ताकि तुमको याद रहे सिंबल से। देखो इंक्रीज कब होगा, जब ये विंड का डायरेक्शन और प्रोपागेशन का डायरेक्शन सेम होगा तब इंक्रीज करेगा, और डिक्रीज कब करेगा, जब विंड का डायरेक्शन और प्रोपागेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इस चीज को तुम ऑब्जर्व भी कर सकते हो जनरल लाइफ में। यहां तक बात कर ले इफेक्ट ऑफ विंड तक, ठीक समझ में आ गया। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में तो इंटेंसिटी ये किए ही थे, क्या बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी सबको डिफाइन कर ही लिए थे, है ना, फ्रीक्वेंसी वगैरह। अच्छा कुछ बात अभी और करते हैं हम लोग नॉइज और म्यूजिक के बारे में, ठीक है। अच्छा इसके अलावा तुम लोग बचपन में एक चीज और पढ़ते हो, अभी भी पढ़ोगे, इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक वगैरह। तो कुछ एनिमल होते हैं जैसे बैट हो गए, है ना, या फिर डॉग, कुछ हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पे, एलिफेंट, ठीक है, फ्रॉग, मेढक और ह्यूमन, डॉल्फिन हो गया, ह्यूमन हो गया, कुछ हम लोग एग्जांपल लेते हैं। तो सबका तुम लोग फ्रीक्वेंसी रेंज सुने हो कि बैट का फ्रीक्वेंसी 100 से लेके 1 लाख तक होता है, है ना, हर्ट्ज तक, सब हर्ट्ज में ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी रेंज। डॉग का कितना होता है, 10 से लेके 35,000 ऑलमोस्ट डेटा है सर। अगर एलिफेंट का बात करेंगे तो 1 से लेके 20,000 तक, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फ्रॉग का तो 100 से लेके 2,000 तक, अगर ह्यूमन का बात करें तो 20 से लेके 20,000 तक। तो दीज आर सम फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, ठीक, सभी एनिमल्स के लिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो हम लोग जो है हम लोग ऑडिएबल रेंज पे आते हैं, हम लोग खुद सुन सकते हैं, हम लोग खुद डिस्कवर किए, खुद रिसर्च किए, तो हम लोग अपना नाम ऑडिएबल दे दिए। अब एलिफेंट थोड़ी ना रिसर्च करेगा जाके, अगर वो करता तो वो जो सुनता उसको उसके हिसाब से वो ऑडिएबल रेंज है, क्योंकि ह्यूमन ही सब कुछ फाइंड आउट करता है ना, बाकी एनिमल तो कुछ करता नहीं एक्सपेरिमेंट। तो इसीलिए इसी को बोला गया ऑडिएबल रेंज, जो हम लोग सुन सक, हम लोग जिसको सुन लिए तो हम लोग के लिए क्या बन गया, ऑडिएबल रेंज बन गया, दिस इज फॉर ऑडिएबल रेंज फॉर अस। तो इसको नाम दे दिया क्या, ऑडिएबल रेंज बोला गया इसको, है ना, ऑडिएबल रेंज, हम लोग जिस चीज को सुन सकते हैं। और जो हम लोग नहीं सुन सकते सबको, जैसे 20,000 के ऊपर या 20 के नीचे, तो हम लोग बोल दिया इनऑडिएबल रेंज। तो उसका नाम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव एंड इंफ्रासोनिक वेव। तो अब डिपेंड करता है हम लोग कहाँ किसको यूज करें, जैसे हम लोग बहुत पर्पस में अल्ट्रासोनिक का यूज करते हैं, बहुत पर्पस में इंफ्रासोनिक का यूज करते हैं, जैसे सुने हो अल्ट्रासाउंड मेडिकल टर्म में, है ना, अल्ट्रासाउंड करते हैं हम लोग, तो अल्ट्रासाउंड में हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं। जो सोनार होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, उस पर भी हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ हम लोग पर्पस में यूज करते हैं इन सब वेव को, इन सब फ्रीक्वेंसी को। तो अल्ट्रासोनिक का मतलब क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर लेंगे। तो तुम लोग ये 8 क्लास में भी शायद पढ़े हो, तो सब तुम याद ही होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, है ना, सोनिक के ऊपर, अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रा मतलब ऊपर, ठीक है, और इंफ्रा मतलब 20 से कम, इससे कम लेंगे तो क्या आएगा, इंफ्रा, ठीक है। तो ऑडिबल साउंड हम लोग सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक नहीं सुन सकते। कुछ एनिमल डॉग, बैट्स, मंकी, डियर्स, ये सब जो होते हैं वो सब सुन सकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स को, और 30,000 के हर्ट्ज तक डॉग भी सुन सकते हैं। इसीलिए तो डॉग को हम लोग बहुत सारे पर्पस में यूज करते हैं, हम लोग सिक्योरिटी के पर्पस में यूज करते हैं, ताकि वो छोटे फ्रिक्वेंसी को बहुत जल्दी से ऑब्जर्व कर ले, है ना, ये कारण है। या फिर विसल, देखना जो कॉलिंग डॉग्स होते हैं उसको अटेंशन के लिए विसल बजा दिया जाता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग गैल्टन्स विसल, जिसमें हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स को यूज किया था, ठीक है, मतलब उसमें अल्ट्रासोनिक साउंड ही एक तरह से मान लो कि प्रोड्यूस हो रहा है, वो अलग से एक विसल आता है जो कि
आर्मी में जो डॉग्स होते हैं, फिर जो ट्रेनिंग ट्रेनिंग जिनको दिया जाता है उनके लिए विसल का यूज करते, उसको बोलते हैं गैल्टन्स विसल, है ना। तो इसी तरह दे आर सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव देन ह्यूमन, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कोई भी चीज को फाइंड आउट करने का जो क्षमता होता है ना, वो डॉग में बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए तुम देखना मूवी में, या फिर पढ़े हो या फिर देखे हो कहीं कहीं, डॉग को हम लोग सिक्योरिटी पर्पस में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना, फॉर डिफरेंट पर्पस लाइक CBI, CID, ये लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आर्मी ऑफिसर्स, इसी वजह से दे आर वेरी सेंसिबल। मतलब वो सारे फ्रिक्वेंसी के लिए सेंसिबल है, मतलब बहुत हाई फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी अल्ट्रासोनिक हम लिखवानी है, बस बोल दे सुन लो एक बार, लिखवाने का फायदा तो नहीं है, तुम लोग बस दिमाग में रखोगे, एक बार किताब में भी पढ़ लोगे, या मेरा दिमाग मतलब जो बता रहे बात को उसको याद रखोगे तो लिख दोगे। जैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स का लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होता है, उसका फ्रीक्वेंसी होता है 20,000 से ऊपर, सबको पता है ना। ये ट्रेवल कर सकता है वेलोसिटी ऑडिबल साउंड के साथ। उसके अलावा इसको हम लोग, ये अंडरगो करेगा रिफ्लेक्शन एज द रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, ये इसको हम लोग एक्ट कराते हैं कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन जो होता है ना उसमें एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन को फास्ट कर दे, रिएक्शन की स्पीड को, उस कैटलिस्ट में हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका बहुत सारा बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ठीक है। हम लोग एनिमल को जैसे रैट वैट को किल करने में भी अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं, रैट्स को मारा जाता है चूहा वहां को अल्ट्रासोनिक वेव्स के हेल्प से, उस तरह के डिवाइस आता है, ठीक है। देखना कि कहीं कहीं लगा रहता है, देखना कोई तुम जाओगे ना शोरूम रूम में तो एक देखना लगा रहता है कुछ, उसमें लाइट आते रहता है ना, वो सब इंसेक्ट को भगाने के लिए है। तो उसमें भी कुछ अल्ट्रासोनिक या इंफ्रासोनिक वेव्स जो होता है उसमें प्रोड्यूस होता रहता है, रेस्टोरेंट वगैरह में कोई दुकान में लगा रहता है, ठीक है। अच्छा, कुछ एप्लीकेशन होता है अल्ट्रासोनिक वेव का एप्लीकेशन, जैसे पहला क्या है सोनार, जैसे पहले ही बताए थे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसमें हम लोग मरीन में क्या करते हैं, मरीन डेप्थ में ओशन से हम लोग सिग्नल्स जो होता है उसको रिसीव करते हैं, ताकि ओशन के अंदर कोई आइसबर्ग या किसी भी तरह कोई अगर कोई चट्टान उट्टान मिलेगा तो उसका सिग्नल हमको मिल जाए, जिससे कि डायरेक्शन चेंज कर ले जो कैप्टन जो चलाते हैं उस शिप को, ताकि एक्सीडेंट होने से बच जाए, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं सोनार, साउंड नेविगेशन रेंजिंग। ये किसका एप्लीकेशन है, अल्ट्रासोनिक का है। तो तुम पढ़ना एक बार किताब में सोनार के बारे में, बहुत ही बेसिक बात है, एक डायग्राम बनाओगे है ना, देखोगे कि ऐसा जो सीप होता है वो साउंड को भेजेगा और रिफ्लेक्ट बैक करेगा पत्थर से लगने के बाद, तो कौन सा वेव भेजते हैं हम लोग, अल्ट्रासोनिक वेव को भेजते हैं। तो किसका ये यूज में होता है, सोनार। ये क्लास 9 के एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। तो इसका घर में सब लोग इसको जाके डायग्राम बना के इसका, इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स लिख लेना, थोड़ा सा बेसिक नोट्स जो बताए, तो पढ़ोगे तो समझ जाओगे, कोई भारी भरकम सा चीज नहीं है, ठीक है। तो ये आता है 9 के एग्जाम में सोनार के बारे में। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड सुने हो, है ना, अल्ट्रासाउंड हम लोग यूज करते हैं मेडिकल में, है ना, फील्ड ऑफ मेडिसिन। उस पर क्या होता है, हम लोग डायग्नोसिस करते हैं ट्यूमर को, या फिर कैंसर के ट्रीटमेंट में भी अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है, या फिर हम लोग देखते हैं कोई ब्रेन सर्जरी में यूज करते हैं, किडनी में स्टोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज करते हैं। तो देयर सेवरल काइंड ऑफ यूज, ठीक। अल्ट्रासोनिक बैक्टीरिया को भी किल करता है मिल्क में बैक्टीरिया को भी किल कर देता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड ड्रिल करने में काम आता है, टीथ जो होता है, टीथ में जब हम लोग फील करते हैं, जब हम लोग के दांत में गड्ढा हो जाता है ना, तो उसमें जब फील करते हैं, रूट कनाल जब करते हैं, उसमें भी अल्ट्रासोनिक ड्रिल से हम लोग यूज करते रहते हैं। इसके अलावा कुछ इंटेंस बीम्स होता है जो कि अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते रहता है, जो तुमको बताए बहुत जगह लगा रहता है ना। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे मेटल्स में फ्लॉज को डिटेक्ट करने के लिए, कि मेटल में कोई डिफेक्ट है कि नहीं, उसके लिए भी हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंफ्रासोनिक साउंड, तो इंफ्रासोनिक साउंड का यूज जनरली किया जाता है ड्रिलिंग पे, वेल ड्रिल करते हैं ना हम लोग, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में जो वेल ड्रिल करते हैं, ये सब में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ऑर्डिनरी ड्रिल नहीं, ऑर्डिनरी कुआं बनाने में नहीं, जो हार्ड रॉक्स होता है उसको ड्रिल करने के लिए, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो उसका यूज थोड़ा कम है, ये सब लोग यूज करते हैं, ठीक है। डॉल्फिन जो होता है, डॉल्फिन जो अभी बता रहा था कोई, डॉल्फिन जो होता है वो भी अल्ट्रासाउंड से कम्युनिकेट करता है। डॉल्फिन इज ऑलवेज कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं अल्ट्रासाउंड से, जैसे हम लोग ऑडिबल साउंड से कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल का भी बात करने का तरीका अलग अलग है, सब एक दूसरे से बात करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बस बात करते हैं या हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, सभी एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं, हम लोग को नहीं सुनाई देता है, वो लोग भी आपस में बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है। डॉल्फिन्स हो गए, कैट डॉग सब बात करते हैं आपस में, इवन इंसेक्ट्स,
बट वी कैन नॉट हियर, हम लोग नहीं सुन पाते क्योंकि हमारे रेंज के बाहर है, बियॉन्ड आवर एक्सप्रेशन रेंज, सो वी कैन नॉट हियर इट. तो सभी एनिमल्स कम्युनिकेट करते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, अगले क्लास में बात करेंगे क्योंकि आज हम थोड़ा सा जल्दी छोड़ देंगे 5 मिनट्स पहले, और थोड़ा सा तुमको हम पहले डाउट बता देते हैं इसलिए हम 5 मिनट यहाँ पे टाइम रखे हैं. तो लक्ष्य क्लास कर रहे हो ना, छोड़ दिए हो? कर रहे हैं. लक्ष्य, ठीक है. देखो लक्ष्य क्वेश्चन शायद भेजा था ना, तो हम उसको सॉल्व किए हैं, उसको हम बता देते थे क्या क्वेश्चन था. दूसरा वाला तो बहुत आसान था, पिछले क्लास में उनको बताए भी थे, वही कंसेप्ट हम बनाए हैं. और पहला वाला में कुछ इस तरह है दिया हुआ, तो पहले क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते हैं ग्रुप में ही, ये तुम भेजे हो ना, एक सेकंड. क्वेश्चन समझ गए, हम बस इतना पूछ रहे हैं कि वो n को 0 ले लेते हैं तो फिर वो तब भी सर्कुलर मोशन को छोड़ दिया, तब भी m को mv स्क्वायर बाय r क्यों लेते हैं? हम बता रहे क्यों, हम इक्वेशन से बता रहे क्यों ऐसा हो रहा है. ठीक, देखो बता रहे क्यों. आप कुछ बोल रहे हैं क्या?
हाँ तो क्या बोल रहे थे, देखो तो यहाँ पे डायग्राम समझ में आ गया था, यहाँ पे एक ब्लॉक था, ब्लॉक यहाँ तक गया, सपोज पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किए, एक नॉर्मल लग रहा है, सेंटर की तरफ क्या लग रहा है, एम जी स्क्वायर एम बी स्क्वायर बाय आर, अगर एम जी को रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा, ठीक। तो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे एम जी कॉस थीटा माइनस एन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, जब ये एन जीरो हो जाता है यानी कि जब कॉन्टैक्ट को छोड़ देता है तो उस समय एम जी का कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट वही नेट फोर्स के बराबर होगा, तो वही तो यहाँ पे आया है, एम जी का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा नेट फोर्स की वजह से, नेट फोर्स के लिए, सो दिस इज नथिंग बट द नेट फोर्स, ठीक है, ये नेट फोर्स है। अच्छा आवाज आ रहा है क्या, बोल दो तो सब लोग। यस सर आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या किया हम लोग, एन जब जीरो कर दिए, बस फ्री बॉडी डायग्राम पर एन को जीरो कर दिए, तो ये क्या है, ये एक्चुअली नेट फोर्स ही तो है, तो नेट फोर्स यहाँ पे इस बार एम जी कॉस थीटा के बराबर है ना, तो मतलब टोटल फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर एम जी कॉस थीटा, तो हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन चूंकि नहीं लग रहा है इसलिए एनर्जी को कंजर्व करा सकते हैं, तो कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है, सर्कुलर बोल का कांटेक्ट अगर छोड़ दिया था वो सेंट्रीपेटल, तो सर्कल सर्कुलर पाथ वो छोड़ दिया था, वो पे सेंट्रीपेटल फोर्स क्यों लग रहा है? देखो नेट मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स जो है ना यहाँ पे वो तुम्हारा mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा, दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा, कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं है ना इसी वजह से, पहले नॉर्मल था तो ये फोर्स क्या था, नॉर्मल था तो देखो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना था है ना, अब नॉर्मल चूंकि नहीं है तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो जा रहा है, यानी कि mg cos थीटा फोर्स जो टोटल लग रहा है उसका वेट का कॉम्पोनेंट वही तुम्हारा mb स्क्वायर r के बराबर हो गया, तभी तो वो कॉन्टैक्ट को यहाँ पे मतलब छोड़ दिया, तो यहाँ तक आके सडनली क्या होगा, यहाँ तक ऐसे गिर जाएगा, तो एक नेट फोर्स तो चाहिए ही उसको, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो इस टर्म को हम लोग जीरो नहीं करेंगे, ये वाला टर्म पूरा सडनली जीरो नहीं होगा, ठीक है, तब ये फोर्स भी जीरो हो जाएगा, तो कुछ फोर्स लगेगा ना, तो वेट का कॉम्पोनेंट जो है वो तुम्हारा एम बी स्क्वायर बाय आर के बराबर आ जा रहा है, ठीक है, ऐसा मत समझो कि नॉर्मल रिएक्शन छूट गया तो एम बी स्क्वायर बाय आर भी छूट जाएगा, ये जब छूटा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, तो एम जी कॉस थीटा का जो कॉम्पोनेंट है ये तुम्हारा नेट फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स कौन लगा रहा है, mg cos थीटा वाला कंपोनेंट लगा रहा है, और ये यहां तक आ गया तब तक लगते रहेगा, है ना, सडल थोड़ी है कि बाहर तरफ फेंका जाएगा कहीं, ऐसे कांटेक्ट लूज करेगा, ऐसे नहीं जाके खट से यहां पे कहीं गिर जाएगा, ठीक है, तो तब तक ये mg cos थीटा कंपोनेंट क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स लगाते रहेगा, जैसे थीटा चेंज होते जाएगा, है ना, यहां पे मान लो यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा, यहां तक थीटा वेरी करेगा, तो धीरे धीरे फिर ये फोर्स क्या होगा, पूरी तरह से हट जाएगा, तो दिस विल इक्वल टू द mb स्क्वायर बाय r, व्हेन वी वेरीज द थीटा देन mb स्क्वायर बाय r आल्सो वेरीज, एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे पूरी तरह से डिटैच हो जाएगा, ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस पे हम लोग एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि कोई भी फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो देखो mgh इक्वल टू क्या होता है, हाफ mb स्क्वायर, ठीक, तो mgh का मतलब क्या, कितना हाइट ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक में, अगर ये पूरा r है और ये वाला r cos थीटा आया तो इतना हाइट कितना है, इतना हाइट तक का बता रहे, ठीक, यहाँ तक यहाँ जाने में तो कितना हाइट लेंगे हम लोग, एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा, क्योंकि एम जी आर आर माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, एंड दिस इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक, अब इसको तुम सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, देखो ये वाला तुम काट दो, एम एम काट दो यहाँ से, तो हो जाएगा टू जी आर वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, वी स्क्वायर, कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा 2/3, हाँ देखते हैं कितना आ रहा है, तो v का वैल्यू कितना आया था हम लोग के पास, वेलोसिटी का वैल्यू आ गया था, हाँ वेलोसिटी आ गया था 2gr 1 माइनस cos थीटा ना, तो यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पुट कर दो वैल्यू को, तो v स्क्वायर की जगह पुट कर दो rg cos थीटा, यानी इक्वेशन 1 में देखो आ गया था यहाँ पे, पहले हम लोग जो सॉल्व किए हैं यहाँ से v अगर निकालेंगे तो इतना आ जाएगा, है ना, तो v की जगह rg cos थीटा पुट कर सकते हैं, यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ सॉल्व करोगे ना, v का वैल्यू वही आएगा, mm कट जाएगा तो rg cos थीटा v स्क्वायर का, तो v स्क्वायर हो गया rg cos थीटा, और इधर कितना था 2gr 1 माइनस cos थीटा, तो यहाँ से ये r r कट गया, g g भी कट गया, है ना, तो 2 cos थीटा, तो इसको सॉल्व कर लो बस, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको और एक तरीके से ही बना सकते हो, वर्क एथियम डायरेक्ट लगा के, है ना, तो उसके लिए बस तुमको यहाँ पे वेलोसिटी का रिलेशन नहीं मिलेगा, बस यही दिक्कत हो जाएगा, अगर तुम डायरेक्ट रिलेशन निकाल दो फ्री बॉडी डायग्राम से तो ऐसे ही बना सकते हो कि नॉर्मल एक्शन नहीं है तो उसको बैलेंस कर दिया तो उसके बराबर हो जाएगा mg cos थीटा इक्वल mb स्क्वायर बाय r, इसलिए v स्क्वायर हो जाएगा rg cos थीटा, इतना लिख के डायरेक्ट भी कर सकते हो,
तो यहां से फिर 2 माइनस 2 कॉस थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर। तो कॉस थीटा कितना हो गया हम लोग का, 2/3 हो गया ना, तो 2/3। तो हाइट कितना माने थे, आर कॉस थीटा पूरा हाइट, तो इसलिए कॉस थीटा मिल गया। तो क्या कितना होगा आंसर, हो जाएगा 2r/3, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम में। और दूसरा एक जो प्रॉब्लम था वो बहुत ही सिंपल है, उसको तुम कंसीडर करना, दिया हुआ नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम पे हम लोग खुद ओमेगा नॉट से चल रहे, तो हम लोग पे फोर्स भी ओमेगा नॉट के कारण ही लगेगा। तो हम लोग खुद एक नॉन इनर्शियल फ्रेम पे है, तो उस बार इस बार हम लोग क्या कौन सा फोर्स लगा देंगे, सुडो फोर्स लगा देंगे, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम पे हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को नहीं लगा सकते डायरेक्ट, तो इसलिए हम लोग सुडो फोर्स को अप्लाई करेंगे। तो जो नेट फोर्स लगता है ना हम लोग पे तरफ जो लगेगा, हम लोग भी तो लगेगा, हम लोग भागेंगे, मतलब हम लोग फेंका जाएंगे बाहर की तरफ, हम लोग ऐसा लगेगा क्योंकि हम लोग खुद ओमेगा से घूम रहे हैं। प्रॉब्लम में दिया था ना कि क्या दिया था प्रॉब्लम में, कि पार्टिकल ऑफ मास एम रोटेटेड विद यूनिफॉर्म स्पीड ओमेगा एंड इट व्यूड फ्रॉम द रोटेटिंग फ्रेम व्हिच इज आल्सो रोटेटेड विद ओमेगा नॉट। तो हम लोग को लगेगा हम लोग बाहर फेंका जाएंगे ओमेगा नॉट से, तो हम लोग उस पार्टिकल पे सुडो फोर्स लगा देंगे, जो हम लोग पे लगे उसी फोर्स को लगा देंगे। तो सुडो फोर्स क्या होगा, mv² आर ही होगा। सर सर सुडो फोर्स लगा दिए वो तो पता है, लेकिन कि उसी डायरेक्शन में क्यों लगाए, आउटर डायरेक्शन लगाए, उल्टा डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग सर जेड एक्सिस पे मूव कर रहे हैं, तो उसको भी जेड एक्सिस पे लगाना चाहिए था। सुडो फोर्स ऑपोजिट लगता है कोई भी केस में। हां सुडो फोर्स का पढ़ाए तो थे तुमको एक बार, सुडो फोर्स हमेशा उल्टा डायरेक्शन में लगेगा, इट इज ऑलवेज ऑपोजिट लगाएंगे हम लोग, नेट फोर्स के हमेशा ऑपोजिट लगाओगे सुडो फोर्स हमेशा। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए याद रखना, तुम लिफ्ट का प्रॉब्लम कराए तो उसमें देखो दिखा भी देते नोट्स में, सुडो फोर्स को हमेशा नेट फोर्स। सर कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि आज तक जितना भी सुडो फोर्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसमें जो हम लोग जो थे, हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम जो हम लोग का था वो बॉडी के ऊपर ही था, लेकिन अब हम लोग का बॉडी पे नहीं ना, कि कहीं और हम लोग मूव कर, बट हम लोग उसी पे है ना, हम लोग खुद देख रहे हैं बॉडी को, हम लोग भी तो नॉन इनर्शियल में ही है, पार्टिकल को हम लोग देख रहे हैं इनर्शियल फ्रेम से नहीं, नॉन इनर्शियल से है ना। तो हम लोग जो देखेंगे पार्टिकल लगने वाला फोर्स, सुडो फोर्स ही लगाएंगे। हम लोग खुद लिफ्ट पे हैं और एक दूसरे मतलब हम एक लिफ्ट पे, मेरा दोस्त भी लिफ्ट में है, तो हम उसको देखेंगे रेस्ट पे, बट एक्चुअली वो तो मोशन में है ना, तो उसके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग को सुडो फोर्स लगाना पड़ेगा। सर रिलेटिव मोशन और सुडो फोर्स में कोई रिलेशन है क्या? रिलेटिव मोशन और सुडो फोर्स में रिलेशन इतना ही है, देखो रिलेटिव मोशन एक अलग चीज हो गया, रिलेटिव मोशन मतलब कंपैरिजन मोशन का, वेलोसिटी एक्सीलरेशन कंपैरिजन, और सुडो फोर्स का मतलब हम लोग डायनामिक्स मतलब फोर्स को निकालना, नेट फोर्स को सॉल्व करना नॉन इनर्शियल फ्रेम पे रह के। लेकिन हाँ जब तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम पे जाओगे ना तो रिलेटिव एक्शन कंसेप्ट भी आएगा, लेकिन हम लोग कंसीडर इस समय कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मान के काम कर रहे हैं इसीलिए, ठीक है। तो अगर मान लो कि हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम लिफ्ट में जा रहे हैं, लिफ्ट को ऑब्जर्व कर नीचे से, तो लिफ्ट में खुद एक एक्सीलरेशन है और एक एक्शन ड्यू ग्रेविटी है, तो उसके लिए रिलेटिव एक्शन भी लगेगा। लेकिन सुडो फोर्स में बस नेट फोर्स को ऑब्जर्व करते हैं, नेट नॉन इनर्शियल फ्रेम पे, बस यही है नेट फोर्स को हम लोग, और नेट फोर्स जो लगाते हैं उसको उल्टा डायरेक्शन में लगाएंगे, एक्चुअल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे। सुडो का मतलब क्या होता है, सुडो का मतलब रियल नहीं, जो नॉट रियल उसको बोलते हैं सुडो, तो खुद से लगा देंगे, बस यही सुडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है। तो इस यहाँ पे बस यही करना, तुम v = r ω है ना, तो अब m को लिखोगे r ω0 2/r, तो इस r कट जाएगा, नहीं r स्क्वायर एक बचेगा, मतलब स्क्वायर है, तो m ओमेगा नॉट स्क्वायर r, यही तो नेट फोर्स लगेगा जो कि हम लोग को दिखेगा उस पर लगता हुआ, यही आंसर होगा इसका। तो ये थोड़ा थियोरटिकल क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में यही तक, अगला क्लास में मिलते हैं, साउंड पे थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। सर एक और क्वेश्चन है छोटा सा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। सर एक पेंडुलम है सर, उसको वर्टिकल मोशन में रिवॉल्व करवा रहे एक्सिस के अलोंग, तो उसमें सर जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए जिससे वो लूपिंग इन द लूप कर सके, हाँ तो वो होता है √5gr, हाँ ठीक, हाँ और वही सेम टू सेम अलग केस है कि उसमें एक आपका हॉलो सर्कुलर रिंग है, उसमें हम लोग बॉल को रोटेट करा रहे हैं, उसमें जब उसको लूपिंग इन द लूप करना है तो उसके लिए √4gr हो जाता है, क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाए इसी वजह से दोनों का, ठीक है, हॉलो सिलेंडर का जो तुम उस दोनों का कंसीडर करो, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में डिपेंड करता है, ओमेगा समय डिपेंड करेगा, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाने से बहुत कुछ चेंज हो जाता है, इसी वजह से ड्यू टू चेंज इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट्स इट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रॉपर्टी, मास इनटू डिस्टेंस का प्रॉपर्टी होता है, से उसको बोलते हैं mr², तो लोग हर पार्टिकल में फाइंड आउट करते हैं हम लोग, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाने की वजह से ये चीज भी बदल जा रहा है, यही कारण है, ठीक है।
ठीक है, तो चलो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, थोड़ा सा जल्दी छोड़ भी ना, टाइम तो ऐसे भी हो गया। ठीक, तो पढ़ाई करो घर में अच्छे, साउंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो, जिस तरह लक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते उसी तरह सब लोग भी करो। ठीक है, ठीक है, चलो फिर।